मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी संघ द्वारा शासन को पत्र देने के पश्चात भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर का निराकरण नहीं होने पर प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ ने प्रदेश के कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता, सातवें वेतनमान, वेतन विसंगति, पदोन्नति के प्रकरण, स्टाफ नर्स के रिक्त पद की पूर्ति एवं अध्यापक गुरुचियों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देने, पुराने पेंशन देने संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगणों को अनेकों पत्र सौंपकर व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु संघ द्वारा मांग की जाती रही है, परंतु पत्रों पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर शासन पूरी तरह मौन है। शासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण एक माह में नहीं किया जाता है तो संघ को विवश होकर धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता में संगठन ने दी सरकार को खुली चुनौती, अगर हड़ताल पर जाते हैं तो मध्य प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएगी, ट्रेनिंग सरकार की मंशा अनुसार हुई, फिर ऐसे रिजल्ट क्यों है। प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ से प्राप्त पत्र का उत्तर आवश्यक रूप से दिया जावे। सुरेश गगनंबर, प्रांत अध्यक्ष, प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ। सर, क्या मामला है आज? मामला ये है कि पदोन्नति को लेकर आज हमारे कर्मचारी, प्रदेश भर के कर्मचारी यहाँ के, आज प्रदेश भर से कर्मचारी आया पदोन्नति को लेकर। ये महिला समर की अपने एनएम से जीएनएम का इन्होंने प्रशिक्षण, शासकीय प्रशिक्षण केंद्र से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शासन के आदेश थे, 2020 में आदेश निकले थे कि आपको पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन 2020 के बाद अभी तक इनको पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि सरकार सीधी भर्ती कर रही है। जबकि नियम यह है कि 10% आपको पदोन्नति दी जाएगी। अभी वर्तमान में पदोन्नति के लेकर जो रोक लगी हुई है आरक्षण मुद्दे पे, तो शासन सभी को पदोन्नति, डॉक्टरों को पदोन्नति दे दी, उनको तो पदोन्नति कैसे दे दी, उसके बाद कर्मचारी को आप पदोन्नति नहीं दे रहे हो। है भाई, पदोन्नति नहीं दे रहे हो तो आप कम से कम प्रभार के आदेश तो जारी करें। अभी आपने जैसे MPW को नेत्र सहायक का प्रभार का पद आदेश जारी कर दिया, NM को LHB का आपने आदेश जारी कर दिया प्रभार का। ये लोग 2016 से प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठी है, इनको अभी तक इन्होंने शासन ने आदेश अभी तक जारी नहीं किया। आज अभी हमने आयुक्त महोदय से भी चर्चा करी, लेकिन कोई स्पष्ट हमको उत्तर नहीं मिला कि कब तक आदेश होंगे नहीं होंगे। 2020 से लेके अब तक कई पत्र हमने जारी शासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण और कोई वो नहीं जागी। हमने स्पष्ट शासन को बोल दिया है कि 15 दिवस के अंदर, 6 तारीख को हमने इनको ज्ञापन यहाँ दिया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त महोदय को, कि अगर 15 दिन के अंदर हमको पदोन्नति उच्च प्रभार के आदेश जारी नहीं होते हैं तो हम सारे कर्मचारी धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, चाहे फिर वो इस जो भी हमारा हो, हम जेल जाने को तैयार हैं, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक आदेश नहीं होंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमने स्पष्ट बोल दिया। सर, कितने लोग हैं?